बंगाल भाजपा पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा उपर हुए हमले तो बाद पूरे पंजाब विच सियासत गरमाई हुई है। जिथे की पंजाब सरकार इस घटना नु दुखदाई घटना कह रही है, उथे ही अश्विनी शर्मा ने पंजाब सरकार ते आरोप लगांदे हुए कहा इस विच पंजाब सरकार दोषी है। आओ तुहानू दिखांदे हां की कहना है भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा दा। पठानकोट तो धर्मिंदर ठाकुर दी रिपोर्ट, पंजाब अब तक। ये सरकार वाल इस करके इशारा हो रहा है, ये सरकार द्वारा प्रायोजित है कि पिछले महीने तो जड़े आंदोलन चल रहे हैं, इस आंदोलन के अंदर जिस प्रकार सरकार दी भूमिका हैगी है, सरकार जड़ा रोल अदा कर रही है, वह सरकार दे उत्ते शक दी सुई स्वाभाविक रूप से लैके जाता है। असी अपने जीवन च राजनीतिक रूप से कई धरने कई जुलूस कढ़े ने, जिन्हों के खिलाफ धरना लगता है उन्होंने घर के दरवाजे तक कभी जुलूस में नहीं आन दिता जाता, लेकिन सरकार की मिली भगत के नाल जिन्हों के खिलाफ बीजेपी नेता के धरने लग रहे हैं उन्होंने घर के बिल्कुल मोहरे उन्होंने गेट तक 25-30-40 लोगों लैके पुलिस आती है, वो उत्थे धरना लगाते हैं और इन्ना ही नहीं करते, टेंट लगते हैं, उत्थे कुर्सियां आ जांदियां, गद्दे आ जांदे ने, पानी का प्रबंध हो जांदा है। बीजेपी के 4-5 नेतावां दे घरां च इस प्रकार धरने ने, सरकार कितना बच सकती इस तों? ये जो भी कल की घटना घटी है ये केवल और केवल सरकार इहदे लई दोषी है और ये पूरा योजनाबद्ध तरीके दे नाल हमला जिहड़ा होया। और जिथे मेरी कल जलंधर मीटिंग सी उत्थे मीटिंग की जगह पर 25-30 लोगों नूं लिया के बिल्कुल मोहरे बिठा देना, इहनूं की कहांगे आपां? मैं तो कहांगा पुलिस के संरक्षण च बिठाते हैं और फिर वो उत्थों की 2 गड्डियां मैनूं फॉलो कर दियां, अपना टोल बैरीयर के उत्ते जिहड़ा टांडे तो पहला वाला बैरीयर है उत्थे हमला हुंदा है, पूरी तरह नाल मेरी गड्डी नूं रोक के तोड़िया जांदा है और पूरी तरह नाल लोहे दीआं राडां दा प्रयोग हुंदा है। और उस तो बाद इत्थे ही नहीं, इस करके शक दी सुई है कि मानसर बैरीयर ते भी 7-8 गुंडे खड़े हुंदे है और जिहड़े मानसर बैरीयर ते खड़े ने उत्थे एक कार खड़ी है उन्हां कोल जिहदे उत्ते कांग्रेस जूथ दा स्टिकर लगा, ये कितना बच सकते ने, अपने आप नूं बचा सकते ने? मैं इन्हां नूं सिद्ध कर दूंगा कि मैं तो पहचान भी लूंगा जिहड़े मानसर दे बार्डर ते खड़े ने। सर, सीएम साहब का कहना है कि अपने कांग्रेस दे विच कोई हाथ नहीं है, जो कोई दोषी होंगे उन्होंने फड़िया जाएगा। चलिए देखते हैं, सीएम साहब ने जो कहा कि दोषी फड़े जाएंगे, देखते हैं कदों तक दोषी फड़ते हैं। सर, और दूसरे पास विधायक बेहता का भी बयान आया कि बीजेपी भी आप जो हमला करवा सकती है। बेरका का बयान मैनू लगता कि बचकाना बयान है, इतने कोई टिप्पणी करन दी भी जरूरत नहीं है और इस प्रकार के बयान दे के पंजाब के माहौल में खराब करना की कोशिश बेरका साहब नूं नहीं करनी चाहिए। वो काफ़ी बार MLA रहे ने, संविधानिक पदां ते रहे ने, उन्हां नूं थोड़ी जी भी शलीनता वरतनी चाहिए है, समय की नाजुकता और इंसीडेंट नूं समझना चाहिए। सरकार तुहाडी है, एजेंसियां तुहाडियां, लियाओ ना दोषियों नूं बाहर, जिले दोषी बाहर आएंगे आपे कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो जाएगा।